लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद से सभी को चुनावी नतीजों का ही इंतजार है। इन सब के बीच रविवार को कई सारे मीडिया हाउस एग्जिट पोल को लेकर सामने आए, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी हां, एग्जिट पोल में साफ साफ जाहिर हो रहा है कि केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनने जा रही है। ज़्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें दी जा रही हैं, जिससे बीजेपी गदगद नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, एग्जिट पोल से ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर एक बार फिर सामने आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारे इस खबर में आपके लिए क्या खास है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, तो वहीं यूपीए 100 का ही आंकड़ा पार करते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि अगर वाकई यही नतीजे आए तो फिर कैसा होगा देश का सियासी हाल। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे साबित हुए तो देश में आने वाले दिनों में आपको सियासी माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब साफ है कि एग्जिट पोल के नतीजे बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या संकेत मिल रहे हैं। पहला, मोदी मैजिक को कोई चुनौती नहीं। एग्जिट पोल के नतीजों से साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से मोदी एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इतना ही नहीं, मोदी मैजिक के आगे विपक्षी ताकत पूरी तरह से ढेर हो गई है। उसके साथ ही एग्जिट पोल इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि विपक्ष के पास ऐसा कोई लीडर नहीं जो मोदी का मुकाबला कर सके, क्योंकि मोदी मैजिक लगातार बरकरार है। दूसरा, एनडीए के लिए वरदान साबित हुआ राष्ट्रवाद। पिछले दिनों से राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जिसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को राष्ट्रवाद या दूसरे नई योजनाओं का भरपूर फायदा मिला। उसके साथ ही पुलवामा के बाद सरकार ने जिस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, उससे बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला। तीसरा, मोदी मैजिक के सामने पस्त हुए राहुल प्रियंका। अगर एग्जिट पोल के नतीजे ही 23 मई को दोहराए जाएंगे तो इस बार कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी नहीं बल्कि प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी। इतना ही नहीं, राहुल और प्रियंका के नेतृत्व पर पूरी तरह से सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि हाल ही में प्रियंका ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और उनका श्री गणेश किसी भी तरह से शुभ नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस का नेतृत्व खतरे में आ जाएगा और फिर से कांग्रेस के पास कोई दूसरा चेहरा भी नहीं होगा। चौथा, मोदी फैक्टर के सामने बिखरता हुआ विपक्ष। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष जिस तरह से एकजुट होने की बात कर रहा था, ठीक उसी तरह नतीजे आने के बाद उनमें फूट आ सकती है, जिसकी वजह से महागठबंधन की नैया यहीं खत्म हो जाएगी और फिर से हर किसी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। इससे बीजेपी को आने वाले दिनों में और अधिक फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, जिन राज्यों में गठबंधन की सरकार है उसमें बीजेपी सेंध करने में सफल हो सकती है और कांग्रेस से सत्ता छीन सकती है। पांचवा, मजबूत होगी एनडीए सरकार। एग्जिट पोल के नतीजे साफ करते हैं कि अगर इसी तरह के नतीजे आए तो एनडीए देश भर में और भी मजबूत बनेगी। उसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा और दूसरे क्षेत्रीय पार्टियां एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो जाएंगी। मतलब साफ है कि न सिर्फ एक बार मोदी सरकार बल्कि बीजेपी मजबूती के साथ विपक्ष को औंधे मुंह गिरा सकती है। द डेली न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।